ना मुझे लगा क्या तुम चाय पीने नहीं आओगे, जा ब्रश करके आओ। चाय रेडी? मैं पहली बार चाय पी रही हूँ अकेला। देवासी सास देर तक तो सोई, पता नहीं कैसे उनका इतना देर हो गया है। मोनिका हैड मल्टीपल टेस्ट, एवरी टाइम इट हैज कम आउट कोविड नेगेटिव, व्हिच इज गुड न्यूज, बट स्टिल शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड। इतना कोल्ड की नाक से बहना, कान और ये सब क्यों पेन हो रहा है पता नहीं। ये क्यों पेन होगा? ये हड्डी आंख भी नीचे अंदर घुस गया है और 2-3 दिन से दो पाउंड कैसे कम हुआ? You're not eating well, that's why. अच्छा नहीं लग रहा है, ये पेन हो रहा है। और देवाशीष ने खाना बना के रखा, क्या खाना? ये बनाना नहीं, ये सब खरीदारी, ये एक अंडा। आप सोचो क्या देवाशीष, Yeah. मुझे तो डर लग रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी होने से खाम कुछ भी मिलेगा नहीं। In this country, everything is available. लेकिन मुझे इतना डर है उधर रखा के कैमरा को कंट्रोल क्या। लेकिन कोविड नहीं है ना। आगे कोविड टेस्ट, इतना डर है कि बाबा कुछ भी करो, छींको का सा कुछ भी, थोड़ा टेस्ट कर दो मन की शांति। गला खोलेगा तभी तो बातें करूंगी, तबीयत पूरा बिल्कुल खराब। देवाशीष से ही आया है ये सब। कहां से आया इतना जो मुझे ठंड हुआ है? You got a cold. I got a cold. You got it from me. कितना आसानी से बोल देते हो, यू गॉट इट फ्रॉम मी। तो अभी थोड़ा बोलो सबको। या मोनिका इज नॉट फीलिंग गुड फॉर लास्ट 2-3 डेज, बट आई एम ट्राइंग टू गेट हर बैक टू हेल्थ। कैसे? बाय गिविंग यू मेडिसिन, बाय गिविंग यू फूड एंड थिंग्स लाइक दैट। इतना अच्छा बोलते, कल क्या दिया फूड बोलो, कल क्या, सच बोलो। यस्टरडे आई गॉट सूप फॉर यू। हाँ देवाशीष बनाना नहीं जानते हैं। एंड गर्म पानी बना सकते हो तो गर्म चाइनीज फॉर यू। हाँ सूप लेके आए थे, लेकिन आज तो थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है। तबीयत बोल के सीवियर कोल्ड, इतना 3 साल में इतना कोल्ड कभी नहीं हुआ है। थ्रोट बिल्कुल इन्फेक्शन। बिफोर दैट इन इंडिया आई डोंट थिंक सो। एज भी तो एक फैक्टर होता है। तो एकदम यंग हो। मैं यंग हूँ तो गला बिल्कुल बैठ गया है और कब ठीक होंगी पता नहीं। लेकिन हाँ देवाशीष, आज आफ्टर ये मेरा 5th डे है, 5 दिन हो गया। कुछ बना कुछ रखे इधर, एक अंडा। क्या रखे हो देवाशीष? हाँ क्या रखे हो? क्या कुछ नहीं, आई एम टेकिंग सम ग्रेप्स, द जो ग्रेप्स यू सेड
नो नो व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर मी, क्या प्लेट में रखे हो? I got some soup, heated up some soup. I got you one egg and I got you some fruits. Baba, ये सब फ्रिज में था, एक तो गोला नहीं खोल रहा है. No, mango बाहर था और सब तो ये फ्रिज में था, चेरी फ्रिज में था, but everything else was. Problem ये है कि ये भी मेरा पेन हो रहा है, ये भी, ये क्यों पता नहीं. लेकिन आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर ऐसे हंस हंस के एनर्जेटिक होके फिर ब्लॉग बनाऊंगी और आपके पास आ जाऊंगी. लेकिन 5 दिन से इतना पेन और काल रात मैंने तो बिल्कुल सोया ही नहीं, इतना बॉडी पेन, पता नहीं. और टेम्परेचर भी बॉडी में है कंटिन्यूअसली, 2 दिन से भी टेम्परेचर है. लेकिन एक पॉजिटिव है कि दो दो बार मैं गई थी, क्योंकि आजकल थोड़ा तबीयत खराब होने से लगता है जैसे कोविड, तो कोविड टेस्ट कर लिया. पहले हम लोग गए थे कोविड टेस्ट के लिए, उधर भी नेगेटिव नहीं. फिर ये जो कंडीशन से मुझे लगा कि नहीं और एक बार टेस्ट करते हैं, तो घर में एक किट लाए, वो भी आपको दिखाऊंगी जो कैसे घर में टेस्ट होता है. हो भी नेगेटिव निकला, फिर भी मेरा कंडीशन बिल्कुल थोड़ा भी इम्प्रूव नहीं हुआ. और इतना रनिंग नोज और आँख से पानी की इन बिटवीन वेट भी 2 पाउंड 3 दिन में कैसे कम हो सकता है पता नहीं, क्योंकि खाने का इच्छा बिल्कुल नहीं है. फिर कल क्या हुआ, दवासिस फिर ये तबीयत खराब होने से फिर अपॉइंटमेंट ली और कल पूरा कोविड टेस्ट करके आई. आज सुबह वो भी नेगेटिव. जो माथे में जो टेंशन था वो तो नहीं है, लेकिन क्यों इतना कोल्ड हो रहा है पता नहीं. मैं पानी का जो भाप लेते हैं वो भी ले रही हूँ, लेकिन बातें नहीं कर पा रही हूँ. फिर ठीक होके आपसे मिलूंगी. लेकिन आप देखिए मैंने कोविड टेस्ट कैसे किया, पता नहीं. तो इसमें कितना ड्रॉप दिए, कितना ड्रॉप? 6 ड्रॉप्स. ओके, दो. अभी क्या करना है? अभी देवाशीष का तो नेगेटिव निकला. बाबा मेरा कुछ निकलेगा तो अच्छा है. कहाँ है नेगेटिव, कैसे जाने? I'll show it to you. ये कॉलर कैसे चेंज होगा, कैसे? I'll show it to you later. एक किट ऐसे ही लेके आइए और घर बैठे टेस्ट कीजिए. अच्छा है. ओके, कहाँ? क्या तुरंत ही आ जाएगा? 15 मिनट. 15 मिनट? हे भगवान रक्षा करो, नहीं होगा तो कितना अच्छा. क्या बंद करके रख रहे हो? जी ऐसे ही होना चाहिए. तो फिर कैसे कलर होगा? क्या देखो ना, अभी ये ग्रीन है, वो ग्रीन चला जाएगा उधर से. ग्रीन चला जाके क्या रेड होने से पॉजिटिव? नहीं, वो चला जाएगा, देखो क्या होगा. ए भाई. ओके, नाउ आई एम स्टॉपिंग इट. इट इज 15 मिनट 32 सेकंड 33 सेकंड नाउ स्टॉप. ओके, सो नाउ इफ यू लुक एट दिस, व्हेन इज इट पॉजिटिव? बोथ द लाइंस हैव टू बी रेड. Or the stop line is solid red and the bottom line is faint red. It has to be, bottom line can be very faint, any pink, purple. Okay, so top line has to be solid, bottom line either completely solid or faint. What you have is there is no bottom line. So, no bottom line? No bottom line. So no COVID? No COVID, okay. High five. बाबा बाबा इतना जोर से मेरा तबीयत खराब है, तुमसे मेरा तो कोल्ड हो गया था. ओके, क्यों चलेगा?
अरे सुबह उठते ही क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या खाना है? 9 बजे? और 9 बजे, 8 बजे से किचन से कुड़ुर कुड़ुर कर रही हूँ। अभी मैं चाय पीऊंगी। रियलिटी यही है, ये है ब्रांच। तो लास्ट में कोविड हो ही गया। लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? और कुछ बाकी नहीं रहा। हंसी भी आ रही है, रोना भी, चिंता भी हो रहा है। लेकिन हाँ, भगवान थोड़ा दया किए। जब कोविड थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है तब हुआ, थैंक्स टू गॉड। लेकिन हाँ, ये जो एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं ब्लॉक किया। बहुत ही बुरा था लास्ट 4 दिन से। आप मानोगे नहीं, बेड के ऊपर ना मैं बैठ पा रहा था, ना सो रहा था, पता नहीं होता था। कभी बेड का मैं पिलो इधर कर रही हूँ तो कभी इधर पलट पलट के, यानी कैसे रात से दिन हो जाए, भगवान ये रात कब जाएगा। ऊपर ज़्यादातर ऊपर बेडरूम है, नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि राहुल का रूम साइड में है। डर लगता है, बेचारे वो तो सुस्त रहेगा, अच्छा है देवाशीष नीचे का बेडरूम में सो रहे हैं और मैं सोफे में। ये जो एक्सपीरियंस मैं क्या बोलूँगी। और कल तो आप सोचो, टेम्परेचर भी बहुत रहता है। टेम्परेचर रहने से क्या होता है कि देवाशीष भी डर रहे हैं, जाके नहा लो मंजरिका, नहा लो। और मैं डर रही हूँ, जो गला तो खोल नहीं रहा है ठीक से। अगर नहा लूँगी फिर अगर कुछ हो जाएगा, कौन क्या किसको देखेगा। उसी टाइम में थोड़ा मिस करती हूँ घर वालों को, जो हाँ इंडिया में होने से। लेकिन हाँ, फिर सोचती हूँ अच्छा हुआ दूर में रह के, और नहीं सिर्फ बातें तो कर पाएंगे लेकिन पास रहने से क्या होता है कि वो भाग के आ जाएंगे। तो ये जो कोविड का एक्सपीरियंस, क्या मैं बोलूँ, 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोग गए थे कोविड टेस्ट के लिए, तो मेरा नेगेटिव निकला। फिर घर में किट लेके आए, फिर नेगेटिव निकला। और सब मैं ब्लॉग में डालूंगी, आप देखिए कैसा ये जर्नी था 3-4 दिन का। लेकिन हाँ, लगता है जो कल या परसों के अंदर ठीक हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, इसके बाद भी मुझे प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। 5-7 दिन 10 दिन तक भीड़ भाड़ से दूर, और ज़्यादातर तो राहुल से दूर, और घर का सफाई सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हो ही गया, लास्ट में कोविड हो ही गया। जब भी मैं सुनती थी मुझे डर लगता था, अरे भगवान कैसे हो गया, क्या हो गया। लेकिन लास्ट में मुझे हो ही गया। मैं सोचती थी जो मैं इतना एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, योगा वगैरह, पता नहीं कैसे हुआ मुझे। लेकिन 4-5 दिन से इतना बॉडी पेन, यानी मुझे लगा कि ये सब जैसे टूट जाएगा। हड्डी, मुंह का हड्डी, नेक,
बैक, ये बैक नेक का बैक साइड। मैंने इंडिया से अमृतांजन, आप सबको मालूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना छोटा सा डबल है। और यहाँ से यहाँ मोटे मोटे दे दे के, और 10 मिनट 5 मिनट जैसे जलता रहेगा वही अच्छा लगता था। ऐसे कर कर के 3-4 दिन हो गया, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा आपसे आपके साथ बातें कर लूँ, क्योंकि रेगुलर 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रही है और सब मुझे पूछ रहे हैं, तो यही है हाल। तो चलिए पूरा ठीक ठाक हो जाऊंगी, फिर पूरा नया एनर्जेटिक के साथ नया दिन नया ब्लॉग बोलने के लिए आपके पास रेडी हो जाऊंगी। मैंने सुना बहुत सारे फ्रेंड को भुवनेश्वर में हुआ था और रिलेटिव के अंदर भी हुआ है बहुत, और आपको तो मालूम है मेरा एक कजिन ब्रदर चला ही गया कोविड से। तो दैट टाइम कोविड बहुत पीक में था, और ये ऑक्सीमीटर अभी बहुत काम में आ रहा है, इतना छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा है। तो चलिए रख रही हूँ ये मेडिसिन, ये ऑक्सीमीटर बेड के पास पूरा 24/7 रह रहा है, और बिल्कुल बाल पाल कुछ नहीं, और खाना पीना भी बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, इच्छा नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है ठीक हो जाऊंगी। तो लाइफ कब आपको कहाँ से किधर से क्या हो जाएगा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है सचमुच। जब बहुत पीक में था मास्क पहन पहन के हॉट टाइम, मुझे लगता है ये जो भीड़ था थोड़ा नेग्लेक्ट हुआ है। तो चलिए जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर आपसे मिलने आ जाऊंगी, और कुछ ऐसा पुराने ब्लॉग होंगे देखूंगी अगर हुआ तो, क्योंकि सोच मानिए आँख भी पेन हो रहा है, ये हड्डियाँ पेन हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी बैकयार्ड का ये जो दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से ये थोड़ा शाम को थोड़ा 5-8 घंटा जानबूझ के आ रही हूँ, जो थोड़ा हवा आने से अच्छा लगेगा। अंदर से तो इसे भी बुखार है, लेकिन आज थोड़ा कम हो गया बुखार, लेकिन कोविड का एक्सपीरियंस हो गया, और कोविड लास्ट में हो ही गया मुझे, और कुछ भी बाकी नहीं रहा लाइफ में, सब कुछ मैंने देख लिया छोटा सा लाइफ में। लाइफ एक स्कूल है ना, स्कूल की तरह। तो चलिए रख रही हूँ, बाय बाय।